नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। बड़े आर्थिक संकटों से परेशान पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली मदद में चीन दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने से पहले एक शर्त लगा दी है। दरअसल IMF को डर है कि पाकिस्तान चीन का कर्ज उतारने के लिए इस बेलआउट पैकेज का यूज कर सकता है। चीन पाकिस्तान में अपने वन बेल्ट वन रोड के तहत CPEC प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है। ये रकम चीन ने पाकिस्तान को भारी भरकम ब्याज कर दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जिस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया है, उससे ये बात साफ है कि पाकिस्तान के पास चीन का कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है। जितने मुक्के मारे गए ना मईशत को, वो हमने तो नहीं मारे ना, हमें तो वो बेहोश होश में मरीज नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी उसके सुने ना, उसके किडनीज भी बेकार हो गए, उसका दिल भी कमजोर कर लिया, उसका जिगर भी हिलता जुलता कमजोर सा है, दिमाग में वो कैफियत है जो स्टंटिंग लेकर आए हुए इतने अरसे से, तो माशी एक स्टंटिंग की कैफियत है, तो मरीज के साथ तो बहुत सारी बीमारियां है। पाकिस्तान लंबे समय से IMF से बेलआउट पैकेज की मांग कर रहा है। अब ये पैकेज मिलने में पाक को और देर हो सकती है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान लिखित में गारंटी दे कि इस रकम को चीन का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही में IMF ने पाकिस्तान से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पारदर्शिता दिखाने को कहा है। पाकिस्तान ने IMF से 60 अरब डॉलर यानी 55,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। पाकिस्तान इस साल चीन समेत कई मित्र देशों से 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। CPEC में भी चीन ने कई ढेर सारा पैसा लगाया है। IMF को ये डर है कि कहीं पाकिस्तान चीन को पैसा लौटाने में सारी रकम खर्च न कर दे। IMF ने पिछले सालों में भी पाकिस्तान को भरपूर कर्ज दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हालात बदलने की जरा से भी कोशिश नहीं की। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।